एएमयू की एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही है, 2018 के बाद कोई भी चुनाव नहीं करा रहा है। पहले लॉकडाउन का एक बहाना था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में खुल चुकी है, सारे डिपार्टमेंट सारी क्लासेस सब चल रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को एक तरीके से जो मज़ा चख लिया है अनक्वेश्चनेबल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव नहीं करवा रही है। स्टूडेंट काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी तरह का जवाब ना मिलने की वजह से आज हम लोग एक प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट निकाले हैं, मेमोरेंडम देंगे प्रोक्टर साहब को और उसके बाद उनके तरफ से कोई ना कोई जवाब तलब करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोटेस्ट के बाद भी हमें कोई आश्वासन नहीं देता है या कोई डेट नहीं देता है चुनाव की, हम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करेंगे, बल्कि यूनिवर्सिटी की हो सकता है कि क्लासेस वगैरह सारी चीज़ बंद हो जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर चुनाव नहीं है तो स्टूडेंट किससे इंटरेक्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तानाशाही चलाता है। कई साल हो गए, बहुत सालों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है और अमूठा का भी नहीं हुआ है, और इसके साथ साथ एम्प्लॉय को जो चुनाव है वो इस कैंपस के अंदर बहुत काफ़ी दिनों से नहीं हुए हैं। हम देखते आ रहे हैं कि बहुत दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी किसी तरीके के जो है इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी दिशा निर्देश नहीं दे रहा है, तो हमने मजबूरन आज एक प्रोटेस्ट मार्च किया जिसमें हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाएँ। हमें हमारे स्टूडेंट को हम सभी को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। जब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, यूनियन नहीं होगी, तो छात्रों की आवाज़ कौन उठाएगा। ये लड़कों ने अभी एक मेमोरेंडम दिया है एड्रेस टू द वाइस चांसलर, और उन्होंने अपने इस मेमोरेंडम के ज़रिए से वाइस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील किया है कि यूनिवर्सिटी की जो तमाम बॉडीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन है और टीचर्स एसोसिएशन है, इस तरीके से जो जो बॉडीज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, उनके इलेक्शन कराए जाएँ, जल्द से जल्द कराए जाएँ, ताकि स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन बॉडीज़ में हो सके। बस सिर्फ एक यही उनकी डिमांड है कि इलेक्शन जो वही बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शन कराए जाएँ।